Next question. With the following information pertaining to year 12-13 of the cricket club, how will you present interest on fixed deposit account, rent for cricket ground and final account? Balance sheet as on 31-3-2012. Means balance sheet ban chuka hai 11-12 ka. So you have to first write which is your current year, previous year and next year. First step, year mein galti hui, calculation galat hogi. So previous year, current year and next year. हमको फाइंड आउट करना है 12-13 का. सो 12-13 इज योर करंट ईयर एंड बैलेंस शीट दिया हुआ है 11-12 का. 11-12 में से बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है. सो 11-12 योर प्रीवियस ईयर, 12-13 योर करंट ईयर एंड सो 13-14 विल बी योर नेक्स्ट ईयर. 11-12 प्रीवियस, करंट एंड नेक्स्ट ईयर इज गिवन. ओके, नाउ प्रोसीड. Rent for cricket ground received in advance for 12-13 means last year mein current year ka advance mila hai. This amount should have been received in the year 12-13 but 11-12 mein hi mil gaya. Fixed deposit 2 lakh. We already hold fixed deposit of 2 lakh. Now receipts and payment account for the year ending 31-3-2013. So what are the receipts? To rent for cricket ground 12-13 का राउंड रेंट मिला है 18,000, दैट इज करंट ईयर का रेंट. एंड 13-14 का रेंट है 5,000, मींस नेक्स्ट ईयर का रेंट अभी मिल रहा है. सो फॉर दिस ईयर इट विल बी प्री पेड रेंट 23,000. टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 15,000 इंटरेस्ट मिला है. एंड बाय फिक्स डिपॉजिट अकाउंट 1 lakh, मीन्स ऑलरेडी 2 lakh वी वर होल्डिंग एंड 1 lakh का और फिक्स डिपॉजिट लिया है. तो बैलेंस शीट में इस बार फिक्स डिपॉजिट होगा 2 lakh प्लस 1 lakh. नाउ गोइंग ऑन टू द एडजस्टमेंट्स गिवन ऑन 31-3-2013. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 month. ओके, यहाँ पर इंटरेस्ट जो 15,000 दिया है वो पूरे साल का नहीं है, 1 month का आउटस्टैंडिंग है. On total fixed deposit at the rate 6% per annum. So we can easily calculate. How? I'll give you the working. See, total fixed deposit is 2 lakh plus 1 lakh. In your balance sheet also, fixed deposit will be coming like this. 2 lakh was original. And add 1 lakh this year. So add 1 lakh. So that comes up to 3 lakhs. 3 लाख का फिक्स डिपॉजिट है मेरे पास. नाउ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, 1 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है. सो फाइंड आउट कि कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है. सो 3 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम. तो 3 लाख इंटू 6%. And for 1 month only, this is outstanding. So, 3 lakh into 6% into 1 by 12 comes up to 1,500. So, total mujhe receipt hua hai 15,000 aur outstanding hai 1,500. Means, meri income kya hai fixed deposit se. So, we can find out that it is 15,000 is received in the current year and 1,500 is outstanding for the current year. So total is 15,000 plus 1,500 comes to 16,500. This is your income. This is your income for the current year. So in income and expenditure account, you have to write interest on FD. मेरी total income इस साल की तो 16,500 है. टोटल इनकम जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर रिसीविंग इट और इट इज नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर. सो इंटरेस्ट ऑन एफडी हाउ मच? 15,000 प्लस 1,500 दैट कम्स अप टू 16,500. एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड येट बाय मी. सो दैट विल बी माई एसर्ट, मुझे मिला नहीं अभी तक, ऑलरेडी ड्यू हो गया था. सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन एफडी, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड विल बी माय एसर्ट. ड्यू बट नॉट रिसीव्ड
हाउ मच वी हैव कैलकुलेटेड 1500 वन मंथ का इंटरेस्ट है जो मुझे अभी तक मिला नहीं है सो दिस विल बी माय एसर बैलेंस शीट 31 मार्च 2013 में ये आ जाएगा करंट ईयर के बैलेंस शीट में इट इज देयर नाउ अब रेंट का हम कैलकुलेशन करते हैं सो रेंट ऑफ क्रिकेट ग्राउंड इज माय इनकम लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 23,000 सो रिसीव्ड इज 23,000 वो मुझे रिसिप्ट साइड में से मिल गया है अब मेरा फॉर्मूला क्या है एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड करंट ईयर का ओके सो यदि प्रीवियस ईयर का होगा तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर और प्रीपेड प्रीवियस ईयर अमाउंट है नहीं है क्वेश्चन में एक बार लिख दो सो लेस यहां पर एड आउटस्टैंडिंग है तो यहां पर आउटस्टैंडिंग को आप लेस करेंगे प्रीवियस ईयर का और लेस प्रीपेड है तो ऐड करेंगे प्रीवियस ईयर का नाउ लेट्स सी 1415 का रेंट जो कि करंट ईयर का है मतलब नेक्स्ट ईयर से पर्टेनिंग है और इसी साल मुझे मिल चुका है सो 1213 इज योर करंट ईयर एंड 1314 इज योर नेक्स्ट ईयर सो दिस इज प्रीपेड रेंट फॉर द कमिंग ईयर 5000 मींस मुझे रेंट मिलना चाहिए था नेक्स्ट ईयर में और मिल गया है इसी साल में कोई भी इनकम मुझे पहले ही मिल जाती है दैट विल बी माय लायबिलिटी सो 5000 विल कम इन योर लायबिलिटी साइड एंड साइमल्टेनियसली प्रीपेड का क्या करोगे लेस 5000 बिकॉज इट इज प्रीपेड ऑफ द करंट ईयर और पहले ही मिलना चाहिए था नेक्स्ट ईयर में मिलना चाहिए था मुझे नेक्स्ट ईयर में और मिल गया मुझे 1213 में ही सो लायबिलिटी साइड में लेकर आओ इसे एडवांस रिसीव्ड फॉर क्रिकेट ग्राउंड हाउ मच 5000 इनकम ऑफ द नेक्स्ट ईयर गॉट इन करंट ईयर इज ऑलवेज माई लाइबिलिटी रिमेंबर दैट सो लाइबिलिटी में आ गया है ये अमाउंट एंड सी आगे हमको क्या दिया है उन्होंने पहले यहां पर देखते हैं रेंट फॉर क्रिकेट ग्राउंड रिसीव्ड फॉर 1213 3500 यानी ये 1213 3500 का है और हमको ये मिला है 11-12 में ही मिल गया 12-13 का यानी लास्ट ईयर का ये क्या है लास्ट ईयर का प्रीपेड है तो प्रीवियस ईयर का प्रीपेड को हम हमेशा ऐड करते हैं सो ऐड 3500 लेकिन बैलेंस शीट करंट बैलेंस शीट में इसका कुछ नहीं करना है सिर्फ करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड का एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में होता है ओके सो वी आर डन विद दिस एंड दिस जो कि प्रीपेड था अब हम जाते हैं अदर इंफॉर्मेशन में फिक्स डिपॉजिट का हम कर चुके हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 रेंट ऑफ क्रिकेट ग्राउंड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 2000 मतलब क्या है मेरी इनकम है लेकिन मुझे अभी तक मिली नहीं है सो इट इज आउटस्टैंडिंग क्या है मेरे करंट ईयर का फॉर्मूला एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड सो एड आउटस्टैंडिंग एड 2000 एंड मेरी इनकम है पर मुझे मिली नहीं सो इट विल बी माई एसेट ऑफ द करंट ईयर सो यू विल हैव टू राइट आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ क्रिकेट ग्राउंड जो ड्यू हो गया था पर मिला नहीं सो इट इज माई एसेट आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ ग्राउंड 2000 करंट ईयर की चीजें हम इस साल के बैलेंस शीट में लेकर आएंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कुछ अलग से दिया हुआ नहीं है सो वी डोंट हैव दिस नाउ 23,000 प्लस 2,000 माइनस 5,000 एंड प्लस 3,500 दैट कम्स अप टू 23,500
एंड दिस इज द अमाउंट जो कि एक्चुअल में मेरी इनकम है, इररिस्पेक्टिव मुझे मिली कि नहीं, बट दिस इज माय इनकम. सो ये अमाउंट कहाँ जाएगी? ये अमाउंट जाएगा इन माय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम है मेरी. सो रेंट फॉर द क्रिकेट ग्राउंड, हाउ मच? 23,500. सो 23,500 इज हियर एंड दिस इज हाउ आई डू द एडजस्टमेंट्स ऑफ रेंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन.